सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मेजर आउटेज अकर्ड येस्टरडे वर्ल्ड वाइड फेसबुक की मेजर आउटेज के बारे में। हुआ क्या था यार, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों की तीनों डाउन थी। वाई? बिकॉज तीनों एक ही कंपनी का पार्ट है। तीनों की तीनों डाउन थी फॉर अराउंड मोर देन 6 आवर्स। ठीक है, फेसबुक ने रिपोर्टेडली इस आउटेज को 2.5 घंटे का आउटेज बोला है। एंड द होल सिनेरियो वॉज कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और ये पूरी की पूरी कंडीशन जो अराइज हुई इसके पीछे सीधा सा एक एरर की वजह से हुआ। ये होता क्या है, देखो हुआ क्या था बेसिकली, पहले मैं वो बता दूं। बेसिकली फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये बोला है, द की फ्लॉ दैट कॉज दिस आउटेज टू बी अ सो सेवर वॉज एन अनफॉर्चुनेट हैंडलिंग ऑफ एन एरर कंडीशन एन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर वेरीफाइंग कॉन्फिगरेशन वैल्यूज एंड इट अप कॉजिंग मच मोर डैमेज देन इट फिक्स्ड। ये आपको मैं ऑनलाइन रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो फेसबुक ने डाली थी। बेसिकली हुआ क्या कि एक्चुअली में जितना भी डेटा अपलोड होता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों व्हाट्सएप अगर हम देखें तो वो जो सर्वर्स हैं वो डाउन होने की वजह से आउटेज आई थी। और होता क्या है, देखो यार, अलॉट ऑफ पीपल, यू नो, मिलियंस ऑफ पीपल आर अपलोडिंग डेटा ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। एंड होता क्या है, जितने भी ये सर्वर्स हैं, सर्वर्स आर ऑल्सो कंप्यूटर्स बट दे आर सुपर कंप्यूटर्स, दे कम एक्चुअली में कंबाइंडली ऑपरेट द कंप्यूटर्स विच वी आर यूजिंग राइट हियर। इनको ऑपरेट करते हैं वो, और ऑपरेट कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जो भी हम अपलोड करते हैं ऑनलाइन, कोई भी पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, दैट इज बीइंग अपलोडेड इन द फॉर्म ऑफ JPEG, PNG इस फॉर्म में। बट होता क्या है यार, एक्चुअली में जो वो फॉर्म है वो जो सर्वर रीड करेगा, सर्वर उसको रीड करेगा न्यूमेरिकल एंड नंबर्स के फॉर्म में एंड मोस्टली बाइनरी फॉर्म्स में, समझे? तो वो उसको उस तरीके से रीड नहीं करेगा जिस तरीके से हम रीड करेंगे। लाइक अगर मैं किसी भी फाइल का कोई नेम डाल देता हूँ, ठीक है, XYZ कोई भी नेम डाल देता हूँ, तो सर्वर बाद में उसको उस तरीके से रीड नहीं करेगा जिस तरीके से मैंने अपलोड किया है। सर्वर उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में रीड करता है। एंड होता क्या है, इसी वजह से जो इतना सारा डेटा लगातार अपलोड होता रहता है तो वो somehow यू नो अ प्रॉब्लम अगर कि जो पूरा का पूरा सर्वर डेटाबेस था वो जो भी यू नो एल्गोरिथम जिस भी हिसाब से चल रही थी, जिस भी हिसाब से डेटा अपलोड हो रहा था, वो उसको कोड को एक्चुअली में डीकोड नहीं कर पाया, सही तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाया, जिस वजह से एरर अगर हुआ। और एरर अगर होने की वजह से जो एक यू नो आउटेज आया वो, हालांकि ठीक तो 2 मिनट में हो जाता आउटेज आया, लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअली में जो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे थे फेसबुक में उस टाइम पर, उनमें से the person you know whoever actually tried to you know go inside the particular जो भी chamber जो फिर एक compartment हम बोल दें उस particular server का जिसको वो actually में restart या फिर refresh करने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर उनकी entry नहीं हो पाई क्योंकि वो सबके सब एक card के basis पर work करते हैं, जो Facebook card, जो Facebook का है वो card, and you know the server was not working properly, तो इस वजह से पूरा का पूरा system down हो गया। वो अंदर enter भी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जो कि पूरी की पूरी situation थी वो इतनी ज़्यादा लंबी खिंच गई थी 6 घंटे के लिए। हालांकि रात में आउटेज हुई थी, लेकिन 6 घंटे के लिए अराउंड यू नो पूरा का पूरा सिस्टम हो गया था। एंड कुछ लोग रिपोर्टेडली ये भी कह रहे थे कि फेसबुक डिलीट हो गई है, फेसबुक बाय बाय, फेसबुक सॉर्ट ऑफ की, फेसबुक चली गई है। नहीं, फेसबुक कहीं नहीं जा सकती यार, क्योंकि सीधी से बात है, शेवोल्ड यूज अराउंड यू नो 10 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड टू रन, एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक इन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज अराउंड 12 to 15 लाइन्स। ठीक है, अगर हम बात करें द लार्ज हॉड्रन कोलाइडर ऑफ फेसबुक, उसकी बात हम करें तो दैट रन ऑन अराउंड 50 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड, एंड हम बात करें फेसबुक की तो दैट अराउंड यू नो रन ऑन 62 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड। तो आप समझ सकते हो कि इतनी सारी कोडिंग या फिर इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट इतनी ही छोटे से आउटेज से डाउन तो नहीं हो सकती। बट एक्चुअली हुआ क्या था कि अगर मैं इस सिनेरियो को आपको सबसे ईजीएस्ट वे में समझाऊँ ना, तो कुछ इस तरीके की बात हो गई थी कि जो भी डेटा अपलोड हो रहा था ना, वो सर्वर समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में क्या डेटा अपलोड हो रहा है एंड क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से एरर अकर हुआ। तो अगर एक्चुअली में वो एरर अकर नहीं होता या फिर खुद ही जो सर्वर्स थे वो बंद नहीं होते, तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो जाती है। अगर मैं आपको ईजीएस्ट फॉर्म में समझाऊँ कि सपोज एक पोस्ट था या फिर एक पिक्चर थी जो अपलोड करी किम कार्डियाशियन ने, ठीक है, अब किम कार्डियाशियन ने वो पोस्ट अपलोड करा, लेकिन वो पोस्ट शो होगा सचिन तेंदुलकर की प्रोफाइल पर, ठीक है, उसमें जो नीचे उसका कैप्शन होगा वो कैप्शन होगा रोनाल्डो की पिक्चर का, एंड जो कमेंट्स होंगे वो किसी और ही पोस्ट के, किसी और इंसान के पोस्ट के, जो लाइक काउंट होगा वो भी किसी और इंसान के पोस्ट का, अगर इस हिसाब से काम चलता रहता, क्योंकि जो एक्चुअली में डेटा अपलोड हो रहा था वो उसको कॉन्फिगर ही नहीं कर पा रहे थे जो सर्वर्स थे, इस वजह से सर्वर्स डाउन हुए थे। एंड साफ साफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था, इंटेंट ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम इज टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज दैट आर इन वे इनवैलिड इन द कैच एंड रिप्लेस्ड देम विद अपडेटेड वैल्यूज फ्रॉम द पर्सिस्टेंट स्टोर। दिस वर्क्स वेल फॉर अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम विद द कैच, बट इट डजंट वर्क व्हेन द
Persistent store is invalid. Today we made a change to the persistent copy of configuration value that was interrupted as invalid. This meant that every single client saw the invalid value and attempted to fix it. Because the fix involves making a query to cluster the database, that cluster was quickly overwhelmed in hundreds of thousands of queries a second. अब हुआ क्या कि बेसिकली जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यू नो एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स अपलोड होती रहती हैं फेसबुक पे लगातार, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे लगातार साथ में अपलोड होती रहती हैं, तो सर्वर्स उनको मतलब एक तरीके से अलाइन करते रहते हैं, क्लासीफाई करते रहते हैं जहाँ पर जिस भी पिक्चर को भेजना है उसको भेजते रहते हैं। बट हुआ क्या कि इतने सारे डेटा एक साथ अपलोड होने लगा, या फिर एक्चुअली में इसको हम एक फेसबुक की गलती भी मान सकते हैं, ठीक है, इतना सारा डेटा साथ में अपलोड हो रहा था। एंड होता क्या है, मैं पहले आपको ये समझा दूँ, वो क्लस्टर जो क्रिएट हुआ वो क्लस्टर वो सर्वर उसको संभाल ही नहीं पाए, एंड वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक आउटेज अकर हुई। एंड ये आउटेज अकर होनी नहीं चाहिए थी। होता क्या है, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि फेसबुक इज डाउन फॉर 1 आवर, व्हाट्सएप इज डाउन फॉर 1 आवर, इंस्टाग्राम इज डाउन फॉर यू नो प्रीटी 1.5 आवर्स, ये सब चलता रहता है। होता क्या है कि यू नो देर आर सर्वर्स इन अ बिल्डिंग, ठीक है, अब सर्वर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी या फिर इतने ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ पर एक डस्ट का पार्टिकल भी एंटर करना मुश्किल होता है। बट हुआ क्या कि एक्चुअली में जब भी यू नो जब भी हम देखते हैं कि फेसबुक इज डाउन फॉर 1 आवर, तो उस टाइम पर जो पर्टिकुलर एक चैम्बर है जिसको हमें क्लियर करना है, सपोज वो चैम्बर डेटा प्रोसेस कर रहा है सैन फ्रांसिस्को के आसपास की जगह को, ठीक है, अब हम उस चैम्बर को बंद करेंगे एंड हम उस चैम्बर को पूरा का पूरा क्लीन करेंगे, बेसिकली लाइक जैसे हम अपना लैपटॉप रिफ्रेश करते हैं ना, सेम उसी तरीके से रिफ्रेश कर देंगे उस एंड वापस से ऑन कर देंगे, तो उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हुआ क्या, इतने टाइम तक डेटा रिफ्रेश ही नहीं हुआ, जिस वजह से जो पूरा का पूरा एक तरीके से हम कहें बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग में जितने भी सर्वर्स थे वो सारे बंद हो गए, यहाँ तक कि जो लैपटॉप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लैपटॉप या लैपटॉप से लेकर प्रिंटर्स तक सब कुछ बंद हो गया था। तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में दिस वाज एन मेजर आउटेज एंड ये एक हिस्टोरिकल आउटेज, इसका जिक्र हम देख सकते हैं कि आज हिस्ट्री क्रिएट हो गई थी कल रात को, क्योंकि एक्चुअली में 6 घंटे की आउटेज थी जो कि हुई भी यू नो मिडनाइट स्टार्ट हुई थी, रात में स्टार्ट हुई थी कुछ 10 बजे के आसपास, लेकिन आप देखोगे पूरी दुनिया हिल गई थी एंड ट्विटर पे लोग ट्वीट कर रहे थे कि आउटेज आई है एंड ट्विटर पे पीपल वर टॉकिंग अबाउट द आउटेज। बट इफ यू विल लुक क्लोजली तो बाद में ट्विटर ने भी यू नो काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि समहाउ द यू नो होल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू फेसबुक। जैसा कि आप देखते हो, अगर आप फेसबुक पे कोई पिक्चर अपलोड करो या फिर सपोज आप इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर अपलोड करो, तो आपके पास एक डायरेक्ट टोगल स्विच होता है जिसको आप यू नो जैसे ही ऑन करते हो तो वो सेम पोस्ट विद सेम बायो या फिर सेम डिस्क्रिप्शन अपलोड हो जाती है फेसबुक पर भी, और सेम पोस्ट आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी, समझ लो। तो सेम इसी तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो फेसबुक के पास इनके सारे डेटा सेंटर्स के मेन सॉर्ट सर्वर्स हैं, तो दैट इज वाई पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से फेसबुक बंद हो गया था एंड पूरा का पूरा इंटरनेट वॉज यू नो डाउन। आगे फेसबुक ने लिखा, टू मेक मैटर वर्स, एवरी टाइम अ क्लाइंट गॉट एन एरर अटेम्पटिंग टू क्वेरी वन ऑफ द डेटाबेस इज इंटरप्टेड इट एज इनवैलिड वैल्यू and deleted the corresponding catch key. This means that even after the original problem had to make matter more worse, every time a client got an error attempting to query one of the databases it interrupted, it is as invalid value and deleted the corresponding catch key. This meant that even after the original problem had been fixed, the stream of the query continued as long as the database failed to service come of the request. They were causing even more requests to themselves. We had entered a feedback loop that didn't allow the database to recover. जैसा कि मैंने आपको बताया, actually में जो हमारे software engineers थे, they wasn't able to enter in the particular chamber जहाँ से मतलब particular compartment जहाँ पे problem थी, जिस वजह से पूरा मैंने आपको बताया पूरी outage आई। और आगे Facebook ने लिखा, this got the site backup and running today and for now we have turned off the system that attempts to correct configuration value. We are exploring new designs for new configuration system. जैसे कि मैंने बताया, Facebook समझ गया कि actually में ये गलती किस वजह से हुई थी and उन्होंने पूरा system close करा था, बाद में पूरे system को you know reconfigure करा और जितने भी error या फिर cluster create हुए थे उन सारे cluster को automatically delete करना पड़ा। एंड यू नो दिस वॉज एक्चुअली एन हिस्टोरिकल आउटेज, और आप समझ सकते हो कि फेसबुक को डाउन होने की वजह से कितना बड़ा आउटेज आया, यू नो 6 घंटे के आसपास, और कई जगह पर ही 6 घंटे से ज़्यादा का था। सो दिस वॉज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड कीप वॉचिंग एंड्रिकन इज नॉट जस्ट अ चैनल, इट्स अ सीरीज ऑफ चैनल, सो यू कैन सब्सक्राइब ऑल माई चैनल्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।